जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने इंडस टावर के प्लेसमेंट के बारे में और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडस टावर्स के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी है क्या। तो इंडस टावर एक टेलीकॉम टावर कंपनी है और ये वर्ल्ड की वन ऑफ दी लार्जेस्ट है। ये 2010 में बनी थी इंडस टावर्स और भारती इंफ्राटेल के मर्जर के बाद। ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी बन गई। मतलब अगर बात करें तो इसकी खुद की लोकेशंस 180,000 से ज्यादा है और को लोकेशंस 3 लाख से ज्यादा है। और ये ऑल ओवर इंडिया में 22 सर्कल्स में काम करती है। और इसका बेसिक फंक्शन होता है या सर्विस होती है फिजिकल पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। और इसके प्रोडक्ट्स में आता है टावर, पावर एंड स्पेस। तो मतलब टावर में क्या रहता है, हम लोगों को ऑपरेटर्स को एंटेना प्रोवाइड कराना होता है। पावर में हम लोगों को जो टावर हम लोग लगाते हैं उसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और स्पेस के लिए हमें जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्पेस देने के लिए। तो अब इंडस टावर्स के बारे में बहुत बात होगी, अब बात करते हैं कि मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन और डेजिग्नेशन है, मैं जिस डेजिग्नेशन के लिए सेलेक्ट हुआ उसका नाम है फील्ड सपोर्ट इंजीनियर। तो फील्ड सपोर्ट इंजीनियर का जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है कि इसमें इंफ्रा टाइम एज पर एमएसए और एसएलए होता है, ऑप्टिमाइजेशन इन दी एनर्जी कॉस्ट और एनवायरमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ कंप्लायंस होता है, और साइट डिलीवरी एज पर एमएसए होता है। तो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ना है तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन, तो इसके बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब मुझे ये जो पैकेज मिला है, इसका पैकेज है 3.5 LPA का। चलो अब फिर ये तो बात हो गई जॉब डेजिग्नेशन और जो मुझे सैलरी मिलेगी उसके बारे में, अब बात करते हैं कि मैं इसमें सेलेक्ट कैसे हुआ, मेरा प्रोसीजर जो प्लेसमेंट था उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले MMUT से मैंने बीटेक की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो उसका एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में एक नोटिस आता है रिगार्डिंग दी प्लेसमेंट ड्राइव ऑफ इंडस टावर्स। तो मैं वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देता हूँ गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर। फिर उसके बाद हमारा 27th August को प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। प्री प्लेसमेंट टॉक में जो इंडस टावर्स के सीनियर्स होते हैं वो इंडस टावर्स की कंपनी के बारे में बताते हैं, इसका क्या फंक्शन है और क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है, और हम लोग किस पोस्ट पे जाएंगे और इसका क्या फंक्शन होगा इसके बारे में बताते हैं। तो हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक ओवर हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ऑनलाइन टेस्ट। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 39 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। ऑनलाइन टेस्ट हमारा बात करें तो 13th September से 15th September के बीच में एक टाइम स्लॉट अलॉट किया गया था, उसके बीच में आप कभी भी दे सकते थे, तो मैंने दिया था। अब ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, ऑनलाइन टेस्ट हमारा दो फेज में कंडक्ट कराया गया था। फेज वन में 4 सेक्शन थे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड सिंथेसिस एंड टेक्निकल टेस्ट। ओवरऑल हमारे 55 क्वेश्चंस थे और 73 मिनट्स हमें सॉल्व करने को मिले थे। अगर आपका ना ये सारे सेक्शंस में डिवाइडेड थे, इंग्लिश अगर सेक्शन दिया है और इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम दिया 15 मिनट्स का, तो हमें 15 मिनट्स में पहले ये सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ही हम सेकंड वाले सेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा फेज वन हमारा ओवर हो जाता है। फिर फेज टू टेस्ट आता है जिसमें सिचुएशन जजमेंट टेस्ट हुआ था, जिसमें अराउंड 12 क्वेश्चंस थे और 25 मिनट्स मिले थे। तो ये जो सिचुएशन जजमेंट टेस्ट था ये बहुत ही सिमिलर था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के जो SSB में होता है, तो मुझे इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी। फिर हमारा इसका 1 से 2 हफ्ते के बाद रिजल्ट आ गया था। ऑनलाइन टेस्ट के रिजल्ट के बाद फ्रॉम 39 स्टूडेंट्स 17 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के लिए, जो हमारा हुआ था 6th October को। मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बात करूं तो 6th October को हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू। में सबसे पहले मेरे से बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा था। इंट्रोडक्शन के बाद मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर का, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे थे। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था स्मार्ट एनर्जी मीटर यूजिंग आर्डुइनो यूनो। तो उन्होंने पूछा कि स्मार्ट एनर्जी मीटर और नॉर्मल एनर्जी मीटर में क्या डिफरेंस है, और आर्डुइनो का क्या रोल है इसमें, और स्मार्ट एनर्जी मीटर में हम लोग वोल्टेज और करंट को कैसे मेजर करते हैं। तो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे थे। तो मेनली मेरे प्रोजेक्ट पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछे थे। मेरे प्रोजेक्ट के बाद फिर हम लोग आए थे कोर सब्जेक्ट पे। तो मुझे फिर मशीन के क्वेश्चंस पूछे गए। मशीन्स में मेनली पूछा गया था सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है, और सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग पूछी थी। और सिंक्रोनस मोटर में हम लोग 3 फेज पावर सप्लाई देते हैं, तो उसमें हमें न्यूट्रल वायर की जरूरत होती है कि नहीं होती है, और अगर हमें सिंक्रोनस मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और जो ये जो हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं मोटर में वो हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा फेज है और कौन सा नहीं है। फिर हमारा इंडक्शन मोटर और ये सिंक्रोनस मोटर की बात होगी। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया सीलिंग फैन के बारे में। सीलिंग फैन के बारे में बात करूं, उन्होंने पूछा था कि सीलिंग फैन में हमारी कौन सी मोटर यूज होती है, जो सीलिंग फैन को यूज करने के लिए जो कैपेसिटर यूज होता है वो क्यों होता है, हमें उसकी क्या जरूरत है, और कैपेसिटर की रेटिंग भी मुझसे पूछी थी कि माइक्रोफेराड में कितनी होनी चाहिए सीलिंग फैन को चलाने के लिए। और ये भी पूछा था कि अगर ये जो कैपेसिटर है अगर हम इसको इंडक्टर की जगह रिप्लेस कर दें तो क्या सीलिंग फैन चलेगा कि नहीं चलेगा। वर्किंग भी पूछी थी कि सीलिंग फैन हमारा कैसे काम करता है। फिर इसके बाद
मेनली। फिर हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा था लास्ट में कि वोल्ट मीटर और एमीटर को हम लोग सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं। फिर इसी के साथ मेरे से थोड़े बहुत क्वेश्चंस और पूछे थे और मेरा टेक्निकल राउंड हो गया। तो हमारा 6 अक्टूबर को टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होने के बाद अराउंड 8 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड के लिए, जो कि CCOO राउंड है। वो हमारा कंडक्ट हुआ था अक्टूबर 12th को। तो अब मैं बात करता हूँ CCOO राउंड के बारे में। तो CCOO राउंड में हमें एक मेल आया था जिसमें बताया गया था कि हमें CCOO राउंड के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं अपने CCOO राउंड के बारे में बात करूं तो मेरे इंटरव्यू में मुझसे सबसे पहले वही बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा गया। इंट्रोडक्शन के बाद मुझसे पूछा गया कि इंडस टावर्स के बारे में क्या जानते हो वो बताओ। इंडस टावर्स के बताने के बाद जॉब प्रोफाइल और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया, और मैं जिस डेजिग्नेशन के लिए प्लेसमेंट हो रहा है मेरा उसके बारे में पूछा गया, जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में और डिटेल्स में पूछा। फिर मेरा ये सब बताने के बाद CCOO राउंड मेरा ओवर हो गया। CCOO राउंड ओवर होने के बाद आता है CCEO राउंड, जो कि हमारा फाइनल राउंड था। और इस राउंड के लिए 6 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे। और इस राउंड में बस बेसिक डिफरेंस ये था कि जो मेरा फाइनल इंटरव्यू था उसमें मेरे से वही नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछा गया। फिर इंट्रोडक्शन के बाद मुझे ना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जैसा कुछ दिया गया कि जैसे तुम रात में 2 बजे तुम्हें कॉल आता है, क्योंकि फील्ड सपोर्ट इंजीनियर का जॉब है 24/7 का। तो अगर आपको रात को 2 बजे कॉल आता है और आपके टेक्नीशियंस को आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और आपके पास टावर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस टावर्स को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, क्या मेथड यूज करोगे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई गई, सिचुएशन बताई गई और उसका सलूशन। तो इसी के साथ मेरा CCEO राउंड कंप्लीट हो जाता है। ये जो CCEO राउंड था ये 20th अक्टूबर को हुआ था, और 21 अक्टूबर को शाम को राउंड रिजल्ट आ गया था, जिसमें से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे इंडस टावर्स के लिए और उसमें से मैं एक था। आई होप ये जो मेरा एक्सपीरियंस है हेल्प करेगा मेरे जूनियर्स को और जो इंडस टावर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और जो मेरी प्लेसमेंट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं उनके लिए। और अगर आपको किसी भी तरह से कुछ भी नया जानने को मिलता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।